अब मैं आपको दिखाता हूँ लाल मिर्ची और हरी मिर्ची के खेत, जो कि वो दूसरी तरफ है। थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया है, निकलने में भी दिक्कत होती है यहाँ से। जो लोकल आदमी है वो तो निकल जाता है। से मिल लेते हैं पहाड़ी गायें, तो इस टाइम बहुत बिजी हो रही हैं, अपना ब्रेकफास्ट ले रही है। इसी गाय के दोस्तों बच्चा होने जा रहा है अभी अगले महीने। ये है गाय अपना फोटो सेशन कराती हुई। गाय जी फोटो सेशन कराओगे? ये इनका आईडी नंबर होता है, बिला नंबर, जिससे ये पहचान में आती हैं। फोटो सेशन कराना है? ये देखिए कितनी खुश हो रही है। ये खाने की चीज नहीं है। और भाई क्या हाल है? ठीक है? और दोस्तों चलते हैं मिर्ची के खेतों में। और अब हम आ गए हैं मिर्ची के खेतों में। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे चलना, क्योंकि आम आदमी इतना आसानी से चल नहीं सकता यहाँ से। अभी दोस्तों ओस पड़ी है तो सारा गीला हो रखा है। ये सुबह के 6 बजे हैं यहाँ पर, और ये हम आ गए मिर्ची के खेतों में। तो निकलने का रास्ता नहीं है, पहले यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको। ये ग्रीन चिली, हरी मिर्च, हरी मिर्च के पेड़ हैं सारे। ये हरी मिर्ची लगी हुई है। वैरायटीज ऑफ मिर्ची यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये लाल मिर्च है। ये देखिए ये लाल मिर्च लगी हुई है, सारी लाल मिर्ची हैं। ग्रीन चिली आगे है, ये रेड चिली है। गायों के खाने के लिए मशीन रखी हुई है, जिससे वहां पे कटिंग होती है खाने की। ये इनका चारा है, जो कि एक दिन का है और चलेगा पूरा एक दिन। चलिए दोस्तों, गांव वालों ने परमिशन दे दी है कि आप थोड़ा सा ट्रैकिंग कर सकते हैं।
तो मैं ट्रैकिंग के लिए निकल गया हूँ। परमिशन बहुत मुश्किल से मिली है, और जिसमें ग्राम पंचायत वालों ने बोला है कि आप किसी से कोई बात नहीं करोगे, आप घूम सकते हो, आपको घूमना है तो। ये देखिए यहाँ छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। ये सारे मक्की के खेत हैं, ये फलियां लगी हुई हैं यहाँ पे, बीन्स। ये रोंगी का है, इसमें सारी शिमला मिर्च लगी हुई है। ये गुलाब के पौधों की खेती हो रही है इस टाइम। इधर इन्होंने शेड में कवर किया हुआ, जैसे ओस जो पड़ती है रात को वो फ्लावर्स के ऊपर ना पड़े। अभी वहाँ शिमला मिर्च के येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे रोजेज लगे हुए हैं डिफरेंट। लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ पे बंदा ना भी कमाए तो भी अपनी पूरी जिंदगी काट सकता है। हमारी कार खड़ी है, जो उससे पूरी भीग चुकी है। इसको जब जिस दिन निकलेंगे उस दिन साफ करेंगे। ये हैंड पंप है, पानी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। हमारी दिल्ली से दूसरी कार आई हुई थी। लुक एट द व्यू। और हम सड़क पे चलते हुए, अगर कोविड ना होता तो और मजा आता लोगों से पूछने में। हालांकि यहाँ पे मास्क लगाने के लिए नहीं बोला, और यहाँ मोस्टली मास्क लगाता भी नहीं कोई, है ना। आओ आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। इसका थोड़ा सा मुश्किल है, सीधी चढ़ाई है, इसलिए डंडे का यूज करना पड़ रहा है। पानी की स्टोरेज हो रही है, जो भी पहाड़ों से पानी आता है वो इसके अंदर क्लब होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। और ये एक टैंकी बनी हुई है यहाँ पर, जिससे गांव वालों को पानी सप्लाई होता है। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।